हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसके न्यू पोर्टल पे आप किस तरह यहाँ पे OTR आप फिल कर सकते हैं, इसके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं जाएं डिटेल में। पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रही। फ्रेंड्स, आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर को भरेंगे, लॉगिन कर देंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है आप यस करेंगे, आपके आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वेरीफाई आप कर लेंगे। अगर आपके आधार कार्ड नहीं है तो इस कंडीशन में आप नो करेंगे और आपकी अदर जो आईडी है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आपकी स्कूल कॉलेज की आईडी है या आपकी वोटर आईडी है, तो कोई भी आपकी आईडी आप चूज कर सकते हैं, उसका कार्ड नंबर आप यहां पे डालेंगे, वेरीफाई आप कर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल डालेंगे। इसके बाद आप कैंडिडेट का जो नेम है जो कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ अपना नाम डालना होगा, उसके बाद वेरीफाई आप यहाँ कर देंगे। जब भी आप इसे वेरीफाई कर देंगे उसके बाद अगर आपने टेंथ में अपना नाम कभी चेंज कराया यस करेंगे, और क्या आपने नाम चेंज कराया वो आपको लिखना होगा, वेरीफाई करना होगा, नहीं करा है सिंपली आप नो कर देंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, री वेरीफाई आपको करना होगा। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इसको कैलेंडर में से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको अपनी यहाँ पे जो ईयर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे अपनी ईयर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपकी जो भी पे डेट है और आपका मंथ है वो आपको यहाँ कैलेंडर में से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप री वेरीफाई अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना जो भी फादर नेम है, फादर नेम आपको यहाँ एंटर करना होगा। ये हमसे सैंपल के तौर पर आपको लिख रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ फिल करेंगे। आप री वेरीफाई फादर नेम करेंगे, आपका जो भी मदर नेम है मदर नेम की एंट्री करेंगे, री वेरीफाई आप इसे कर लेंगे। इसके बाद आपके जो टेंथ के बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आपने टेंथ किस बोर्ड से आपने पास की है। तो आपका जो भी टेंथ का बोर्ड का नेम है, कई ऑप्शन आपको यहाँ पे देके रखे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपने बोर्ड का यहाँ से पास करी है टेंथ, तो वो आपको बोर्ड का नेम यहाँ सेलेक्ट आपको करना होगा। इसके बाद आपको अपना जो रोल नंबर है टेंथ का वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसमें आपको बता रखा है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको डालना है। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं लगाना है। और इसमें आपको बता रखा है इफ रोल नंबर कोड इज गिवन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड और रोल नंबर। तो आपको रोल कोड और रोल नंबर अगर दोनों हैं तो आपको दोनों की ही एंट्री करनी होगी और री वेरीफाई आपको करना होगा रोल नंबर। इसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है टेंथ का वो आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। जब आप इसकी एंट्री यहाँ कर लेंगे इसके बाद री वेरीफाई आप कर लेंगे पासिंग ईयर। इसके बाद आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। जब आप यहाँ पे एंटर आपकी यहाँ पे पासिंग ईयर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी जो पासिंग आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी री वेरीफाई आपको करना होगा। इसके बाद आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है उसकी एंट्री आप यहाँ करेंगे और आपका जो वैलिड ईमेल है तो उसकी एंट्री आप ईमेल आईडी की आप यहाँ एंट्री करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर और आपकी ईमेल पर एक OTP आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपके पासवर्ड आपके OTP आएगा मोबाइल पर और आपकी ईमेल पर उसको आपको वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट जब आपका यहाँ आ जाएगा तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। जब आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद आपको यह रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा और इसके जो नोटिस आपको दिया है ये आपको रीड करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ कंटिन्यू के टैब पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको एंटर करना होगा, आपका पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना होगा, कैप्चर को भरना है और उसके बाद आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो आपको सभी डिटेल यहाँ भर के साइन इन पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड है वो आपको यहाँ जनरेट करना होगा जो कि आपका 8 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, नंबर्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको बनाना होगा। अब से हम सैम्पल के तौर पे आपको यहाँ बना के बता रहे हैं, तो जैसे ही जैसे आप इसको बनाते जाएंगे तो आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे ग्रीन होते जाएंगे। जैसे कि आपको अपर केस, फिर आपको लोअर केस, फिर आपको यहाँ पे नंबर्स की आप जैसे ही यहाँ पे एंट्री करेंगे तो नंबर वाली लाइन आपकी यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना जो स्पेशल कैरेक्टर है वो आपको बनाना है। आप सही से बनाएंगे तो आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन दिए वो सभी ग्रीन हो जाएंगे। तो आपका पासवर्ड है आपका सही है, कंफर्म आपको करना होगा। और आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको दो दिए हैं तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन दो चूज कर लेने, उनके आंसर देने हैं, सेव एंड नेक्स्ट आपको कर लेना है।
आपका यहाँ पे आता है आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको रीवेरीफाई यहाँ कर देना है। इसके बाद आपकी नेशनलिटी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप यहाँ नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका विजुअल मार्क्स है आपकी बॉडी पे, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी होगी। इसके बाद आप अगर पीएच कैटेगरी में आते हैं आप यस नो करेंगे, अगर आप आते हैं तो आपकी जो भी डिसेबल्ड कैटेगरी है सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे, नहीं आते हैं नो करेंगे। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी होगी। तो आपका जो भी स्टेट है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है और आपका जो भी पिन कोड नंबर है उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर लेंगे। इसकी एंट्री करने के बाद अगर आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और इसकी एंट्री आपको करनी होगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे कर देंगे। जब आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद आपका डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, आई एग्री आपको यहाँ करना होगा। उसके बाद प्रीव्यू ओटीआर आपका यहाँ पे आएगा, उसको आपको यहाँ वेरीफाई कर देना है। जब आप यहाँ पे ओटीआर आपका यहाँ पे आप वेरीफाई कर देंगे, डिक्लेयर आपको यहाँ पे करना होगा। डिक्लेयर जब आप यहाँ कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाएगा ओके आपको उसके बाद करना होगा। जब आप यहाँ ओके कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है सेलेक्ट पोस्ट एग्जामिनेशन, तो आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो लाइव एग्जामिनेशन पे आपको यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे एक्सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना होगा, और आपकी जो डेट ऑफ आपकी ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग है वो डिटेल आपको डालनी है, नहीं आप एक्सर्विसमैन नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपकी यहाँ पे आप रीजन किस पोस्ट के लिए आप बिलोंग करते हैं, किस रीजन से आप किस पोस्ट के लिए बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका पोस्ट कोड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे पोस्ट नेम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लेवल ऑफ पोस्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कोई जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो आप पोस्ट यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं इसके लिए आपको इसके नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो पोस्ट आपने यहाँ सेलेक्ट करी है तो उसका जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एज है, सभी डिटेल आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है इसके नोटिफिकेशन में जाके। उसके बाद ही आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी जो पोस्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपकी जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ डालेंगे, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप डालने के बाद डिक्लेयर आप करेंगे। इसके बाद आपकी आएगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास पोस्ट की है तो आपको यस करना है, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप यह नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, तो वो आपके प्रेफरेंस आपके सेंटर की आपको यहाँ पे देनी होगी। 3 ऑप्शन आपको दे के रखे हैं वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी है, अगर आपने ओटीआर के टाइम भरा है तो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपको डिसेबल ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर भरा है तो वो आप यहाँ कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका को नो ही करना है, और आपको एज में छूट चाहिए अब यस करेंगे, नहीं चाहिए नो करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपकी फोटो और आपका जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो फोटो के लिए आपको यहाँ बता के रखा है कि आपको यहाँ कैप्चर लाइव फोटो है वो आपको यहाँ करनी होगी, और आपके सिग्नेचर की भी साइज आपको दे के रखी है। तो इसके लिए आपको बता रखा है कि आपको जो व्हाइट प्लेन जो बैकग्राउंड है आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद आपका प्लेन बैकग्राउंड आपका यहाँ होना चाहिए। इसके साथ ही आपने यहाँ पे फोटो है आपकी स्ट्रेट यहाँ पे लाइव फोटो होनी चाहिए, और आपको इसके साथ ही आपको कोई भी कैप गोगल आपने यहाँ पे नहीं पहना होना चाहिए। तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार रीड कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपनी जो लाइव फोटो है वो आपको अपने जो लैपटॉप है उससे आपको यहाँ पे कैप्चर करनी होगी। तो अगर आप यहाँ पे खुद से नहीं कर सकते, आप किसी और से भी करवा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना जो यहाँ पे आपको नाउ पे आपको स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी फोटो कैप्चर होने का सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे कर देंगे। और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आप यहाँ पे आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद आपको कैप्चर को भरना है। कैप्चर को भर के आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे उसके बाद आपको करना होगा। तो जब आप कैप्चर को यहाँ पे भर देंगे उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट जब आप कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन जो सबमिटेशन है वो आपका वेरीफाई आ जाएगा। तो आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, प्रिंट लेकर आप फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।